Students, in this video we will learn remaining part of chapter number 9, the sacrifice. In our previous video हमने ये read किया था कि कैसे king Shibi के पास अग्नि देवता और इंद्र देवता जो हैं वो eagle और dove पक्षी बनकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, उनकी सच्चाई और अच्छाई की परीक्षा लेते हैं। और जब राजा डव पक्षी को देने से मना कर देते हैं तो ईगल जो है वो राजा से उनके फ्लैश की डिमांड करता है। सो लेट्स कंटिन्यू। अब राजा जो है वो क्या बोल रहे हैं, सुमॉन्स एन ऑफिसर, वो अपने एक ऑफिसर को बुलाते हैं और क्या बोल रहे हैं, ब्रिंग द क्वीन एंड माय सन इन द कोर्ट, रानी को और मेरे पुत्र को दरबार में लाइए। The courtiers bring the balance, the witness take their place. जो दरबारी होते हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं और तराजू लेकर आते हैं। The court stand up for the queen and the prince when they take their seats. और दरबारी होते हैं जो वो रानी और राजकुमार के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। जो क्वीन है, जो रानी है, वो राजा से क्या कह रही हैं, ओ क्वीन, महाराज, प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, आप बेसहारों के सहारे हैं, वी आर विथ यू एंड मे ऑल द गॉड्स बी विथ यू, हम आपके साथ हैं और ईश्वर भी आपके साथ है। द प्रिंस, राजकुमार क्या कह रहे हैं, फादर आई सैल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू, पिताजी मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको नमन करता हूँ। ईगल जो है वो राजा से बोलती है, किंग प्लेस द डव ऑन द साइड ऑफ द बैलेंस, महाराज डव पक्षी को तराजू के एक तरफ रखिए। टेल योर ऑफिसर टू कट योर फ्लैश, और आप अपने ऑफिसर से कहिए कि वो आपका फ्लैश काटना शुरू करे। द ऑफिसर प्रोसीड टू कट द किंग्स फ्लैश, और जो ऑफिसर होता है वो राजा का फ्लैश कट करना शुरू कर देता है। द होल कोर्ट क्राइज फॉर द मर्सी, जितने भी दरबारी होते हैं वो राजा को मना करते हैं कि वो अपना फ्लैश ना काटे, बट द किंग इज नॉट डिस्टर्ब, लेकिन जो राजा होते हैं वो अपने निर्णय से बिल्कुल भी नहीं हटते। ही लेट्स द ऑफिसर कट द फ्लैश, और वो ऑफिसर से कहते हैं कि वो उनका फ्लैश कट करना कंटिन्यू रखे। फ्रॉम हिज लेग, उनके पैरों से, टू द डिसमे ऑफ द होल कोर्ट, और सारे दरबार की प्रेजेंस में, विथ ईच एडिशन ऑफ द किंग्स फ्लैश द डव ग्रोस हैवियर, जैसे जैसे जो किंग शिबी हैं उनका फ्लैश कट करके उस बैलेंस पर रखा जाता है तो डव जो है और ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसका जो वेट है वो और बढ़ जाता है। द वेट ऑफ द टू कुड नॉट बी बैलेंस, और तराजू जो है उसके दोनों ही साइड जो होते हैं बिल्कुल बैलेंस में नहीं आ पाते हैं। राजा जो होते हैं, जो किंग है, वो सैडली क्या बोलते हैं, ओ गॉड, हे प्रभु, हाउ ऑफुल, कितना दर्दनाक है ये, अ टीयर ड्रॉप्स फ्रॉम हिज लेफ्ट आई, और उनकी लेफ्ट आई से एक आंसू गिर जाता है। ईगल, जो ईगल है वो क्या बोल रही है, थंडरिंग, गुस्से से तमतमाते हुए, स्टॉप, रुक जाइए, आई रिफ्यूज़ टू टेक एन अनविलिंग सेक्रीफाइस, मुझे ये सेक्रीफाइस नहीं चाहिए जो आप दुखी होकर कर रहे हैं। योर टीयर्स डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ योर गिफ्ट, क्योंकि आपके इन आंसुओं से आपके दिए गए गिफ्ट की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। इतना सुनते ही जो राजा हैं वो क्या कह रहे हैं किंग से, किंग जो है वो ईगल से क्या कह रहे हैं, नो माई फ्रेंड, नहीं मेरे मित्र, यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रहे हो, इट इज़ ओनली माई लेफ्ट साइड, ये सिर्फ मेरा लेफ्ट साइड है जो कि दुखी है मेरे राइट साइड के लिए, क्योंकि मेरा राइट साइड जो है वीक है और अनप्रोटेक्टेड है, क्योंकि मैं आपकी विश फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम योर फूड, मैं आपका भोजन हूँ, नाउ यू कैन ईट मी, आप मुझे खा सकते हैं। माई फैट इज सच दैट माई फ्लैश इज नॉट सफिशियंट टू प्रोटेक्ट द डव, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा जो फ्लैश है वो डब के प्रोटेक्शन के लिए सफिशियंट नहीं है। एट दिस वर्ड, ये सुनते ही द फॉर्म ऑफ द ईगल एंड द डव वैनिश, ईगल और डव दोनों जो हैं वो वैनिश हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं।
and their place stand Indra, the chief of God, and Agni, the god of fire. और उनके स्थान पर अग्नि देवता और इंद्र देवता प्रकट हो जाते हैं. और इंद्र जो है राजा से क्या कह रहे हैं, ब्लेस्ड बी दो, राजा आप सदा खुश रहें, ये हमारा आशीर्वाद है. प्रोटेक्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड, आप असहायों को सहायता करने वाले हैं, आप बेसहारों को सहारा देने वाले हैं. यू हैव हाईएस्ट प्लेस इन द हेवन, स्वर्ग में आपका सर्वोच्च स्थान है. यू आर द सुपीरियर टू ऑल द गॉड्स, आपका स्थान हम देवताओं से भी ऊंचा है. किंग शिबी, वी वांटेड टू टेस्ट योर गुडनेस, राजा शिबी हम आपकी अच्छाई की परीक्षा ले रहे थे. वी यील्ड टू गिव यू अ प्लेस अबोव अस, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपका जो स्थान है वो हम देवताओं से भी ऊपर है. गॉड शावर्स फ्लावर फ्रॉम हेवन, और स्वर्ग से राजा शिबी के ऊपर फूलों की वर्षा होने लग जाती है. द किंग, द क्वीन, द प्रिंस एंड द कोर्टियर्स बो टू गॉड इंद्र एंड गॉड अग्नि, राजा रानी राजकुमार और सारे दरबारी जो हैं वो इंद्र देवता को और अग्नि देवता को झुककर प्रणाम करते हैं. सो बेटा, इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 सैक्रिफाइस. इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल कम्प्लीट एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर गिवन इन द चैप्टर. ओके बेटा, थैंक यू.